5 मिनट में 25 कुछ अहम प्रमुख खबरें। यूक्रेन पर रूस के हमले को 51 दिन बीत चुके हैं और युद्ध अब भी जारी है। यूक्रेनी सेना ने अभी तक कहीं भी घुटने नहीं टेके हैं। इन सब के पीछे बड़ी वजह अमेरिका बताई जा रही है। इसराइल के रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास निदेशालय ने उच्च शक्ति वाले आयरन बीम लेजर इंटरसेप्शन सिस्टम के साथ सफलतापूर्वक परीक्षण पूरा किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आयरन बीम लेजर इंटरसेप्शन सिस्टम को गाजा के पास तैनात किया जाएगा। रूस के साथ संबंधों को तोड़ने की अपील को लेकर अमेरिका को खूब खरी खोटी सुनाई गई है। चीन ने कहा है कि वह रूस से अपने संबंधों के मामले में किसी भी तरह के दबाव और जबरदस्ती को खारिज कर देगा। दुनिया भर में चीन की आलोचना हो रही है। अमेरिका ने आरोप लगाया कि कर्ज कूटनीति के जरिए विकासशील देशों को चीन पर निर्भर रहने के लिए बाध्य कर दिया गया। दुनिया के सबसे अमीर शख्स और माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के सबसे बड़े शेयर होल्डर एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने का ही ऑफर दे दिया है। मस्क ने ट्विटर का दाम $41 बिलियन यानी कि करीब 3,20,000 करोड़ रुपए लगाया। भ्रष्टाचार के आरोपों और एक ठेकेदार की आत्महत्या के बाद बड़े विवाद में फंसे कर्नाटक के मंत्री के एस येश्वरप्पा आज इस्तीफा देने जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि ये उनका अपना फैसला था। एक बार फिर से भारत समेत दुनिया भर में कोरोना केस बढ़ने लगे हैं। दिल्ली, गुरुग्राम और मुंबई में कोरोना के नए मरीजों का मिलने का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में एक बार फिर से कोरोना की चौथी लहर का खतरा बन गया है। मेघालय के रिभोई जिले में गुरुवार को आए चक्रवाती तूफान ने तबाही मचा रखी है। इस तूफान ने अब तक 47 गांवों के 1,000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचाया। कई लोग बेघर हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात के भुज में के पटेल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को देश को समर्पित किया। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। शिखर धवन का एक दिलचस्प वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वे स्विमिंग पूल के में कैच लपके नजर आ रहे हैं। धवन ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया। इसमें वे जॉन्टी रोड्स के साथ नजर आ रहे हैं। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान बुधनी दौरे पर रहेंगे, जहां वो बुधनी विधानसभा मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, जिसके बाद सीएम सिवनी के लखनऊ दौन जाएंगे। खरगोन में जारी कर्फ्यू के बीच आज भी सुबह 10 से 12 बजे तक की छूट दी गई है। आज महिलाओं के साथ पुरुषों को भी छूट दी गई है। लोग बिना वाहन के अपने घरों से निकलकर जरूरत के सामान से निकल सकते हैं। कलेक्टर अनुग्रह पी ने आदेश जारी कर दिए। खरगोन में हुए दंगे पर गंभीर रूप से घायल हुए शिवम को होश आ गया है। स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। नागदा में राकू हत्याकांड के मुख्य आरोपी तरुण कुमार शर्मा का मकान प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। 5 महीने पहले राकू चौधरी की हत्या कर दी गई थी। राकू चौधरी के परिजनों का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है। जबलपुर में मोटरसाइकिल की मामूली टक्कर लगने से युवक ने बीच सड़क पर मोटरसाइकिल सवार युवक को लात घूंसों से और चप्पलों से पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो रसल चौक का बताया जा रहा है। मंदसौर में महू नीमच हाईवे पर एक ट्रक में आग लग गई। आग लगने का कारण फिलहाल पता नहीं चल पाया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। सीएम भूपेश बघेल आज बिलासपुर के दौरे पर रहेंगे। सीएम 3 दिवसीय राज्य स्तरीय कृषि समृद्ध मेले के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। सुकमा में नक्सलियों ने कोंटा से बेजी मार्ग में कोताचेरू और गोरखा के बीच पुल को उड़ाने की नाकाम कोशिश की। नए कैंप निर्माण को रोकने के लिए यह कोशिश की जा रही है। एसपी सुनील शर्मा ने मामले की पुष्टि की। सुकमा के किस्टाराम में पोटकपल्ली इलाके में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है। जवानों की जवाबी कार्रवाई को देखकर नक्सली भाग निकले। कोबरा 208 के जवान सर्चिंग पर निकले। बालोद में 550 से ज्यादा मनरेगा अधिकारी कर्मचारी पिछले 12 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। ये लोग अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। 14 अप्रैल की शाम रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने वास्तु हाउस में परिवार वालों की मौजूदगी में 7 फेरे लिए, जिसकी पहली फोटो वायरल हुई। एक्ट्रेस जेनेलिया डिसूजा अपने मिस्टर मम्मी की अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी टीम को टैग करते हुए एक प्यारा सा पोस्ट शेयर किया। फिल्म KGF 2 के अंत में दर्शकों को बड़ा सरप्राइज मिला है। मेकर्स ने फिल्म के अगले पार्ट को लेकर बड़ा इशारा दिया है। करीना कपूर ने अपने छोटे बेटे जेह के साथ एक तस्वीर शेयर की है। ये फोटो रणबीर आलिया की शादी के दौरान की है। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट शादी के बाद पहले दिन सिद्धिविनायक मंदिर जाकर भगवान गणेश का आशीर्वाद लेंगे।